दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भी हम मारक सॉफ्टवेयर में कंपनी किस प्रकार क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आपको इस चैनल पर अभी तक टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू मिल रही थी और आगे भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, लेकिन अब हमने एक नया सॉफ्टवेयर मारक की शुरुआत यानी कि मारक सॉफ्टवेयर की नई सीरीज हमने इस चैनल पर शुरू की है, जिस पर आपको कंपनी क्रिएशन से लेके बुक्स की फाइनलाइजेशन, टैक्सेशन का कंप्लीट वर्किंग यानी कि टोटल ए टू जेड अकाउंट्स और टैक्सेशन संबंधित जितने भी अकाउंटिंग वर्क होते हैं वो सारे के सारे मारक सॉफ्टवेयर में कैसे होते हैं वो भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। तो और आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली सारी बातें सीखेंगे भी जब हम मारक सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों वीडियो सारा ही प्रैक्टिकल रहने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, साथ में ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई सॉफ्टवेयर की वीडियो कंटिन्यू उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम मारक सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का लेआउट हमारे सामने आएगा। तो सब स्टार्टिंग में आपको लिस्ट ऑफ कंपनी की यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगी, लेकिन अब हमें नई कंपनी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पर देखो बिल्कुल बॉटम साइड पे आपको इसके सारे जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब जैसे कि हमें नई कंपनी क्रिएट करनी है तो इसके लिए हम F2 का यूज़ करते हैं। F3 का यानी कि जो कंपनी ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है उसमें अगर किसी टाइप की कोई एडिशन मॉडिफाई अगर हमें करना हो तो हम उस कंपनी को सिलेक्ट करके F3 का यूज़ करेंगे, लेकिन अब हमें नई कंपनी क्रिएट करनी है तो हम शॉर्टकट F2 का यूज़ करेंगे। जैसे हम F2 का यूज़ करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी कंपनी क्रिएशन की, और हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं मारक का। तो अब कंपनी नेम में हम जैसे कि हमारी कंपनी का नाम है हम यहाँ पर डालेंगे भावना ट्रेडर्स। यहाँ पर हम प्रॉपरली एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे सारा, शॉप नंबर 10 नियर मेन बस स्टैंड। आप कंटिन्यू इसमें एड्रेस पे आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपको लाइनें यहाँ पर अलग अलग मिल जाएगी। उसके बाद फ़ोन नंबर डाल सकते हो। अब उसके बाद में ब्रांच कोड, अब ये ब्रांच कोड भी बाय डिफ़ॉल्ट या आपके जो कंपनी आपने क्रिएट करी है उस कंपनी क्रिएट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक डालेगा। हम चाहें तो इसको यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। अब ये कोड का मतलब क्या हो गया, अब मान लीजिए जैसे भावना ट्रेडर्स है, अब आपकी अलग अलग ब्रांचें हैं, अब मान लीजिए आपके ब्रांच जयपुर में भी है, आपके ब्रांच दिल्ली में भी है, आपके ब्रांच अलग स्टेट में भी हो सकती है, तो वहाँ पर आप अलग अलग कंपनी के लोकेशन वाइज यहाँ पर कोड हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ब्रांच के कोड को हटाना चाहो तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो। उसके बाद में फैक्स नंबर, वेबसाइट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, हम ईमेल एड्रेस, क्योंकि अब ये जितने भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम सबमिट करेंगे वो सारी की सारी जब हम हमारे कस्टमर को बिलिंग करेंगे तो उस हमारी बिलिंग के ऊपर सब कुछ ये ऑटोमेटिक प्रिंट होके आएगा। जैसा कि वेबसाइट है, हमारा एड्रेस है, जो हमारा ईमेल एड्रेस है, वो सारी की सारी बातें प्रिंट होके आती है। अब हम यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस है जो डाल देते हैं, उसके बाद में कंट्री हमारी इंडिया रहेगी और उसके बाद में स्टेट। अब स्टेट के लिए आपको जैसे हम राजस्थान से हैं तो अगर आपको राजस्थान का कोड डालना हो तो हम जैसे कि ओनली 08 आपको टाइप करना है। हम यहाँ पर स्टेट पर रहेंगे और इंडिया हम सिलेक्ट करेंगे, स्टेट के लिए हम यहाँ पर आपके लिए 08 टाइप करेंगे। जैसे 08 टाइप करेंगे तो यहाँ पे राजस्थान ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। अब उसके बाद में इम्पोर्टेंट मार्क सॉफ्टवेयर में सबसे यही है बिजनेस टाइप का। जब भी आप इंटर प्रेस करते यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन पूछे जाएंगे भी आप जिस कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो यानी कि जो कंपनी आप अभी क्रिएट कर रहे हो उस कंपनी में किस किस टाइप की अकाउंटिंग वर्क आप करोगे। भी वो एक दे कोई फार्मेसी शॉप यानी कि मेडिकल है, फार्मेसी कोई शॉप केमिस्ट की है, या फिर फार्मा डिस्ट्रीब्यूट बैच वाइज डिटेल है, कोई सुपरमार्केट, कोई ग्रोकरी का काम है, या फिर ओनली अकाउंटिंग पर्पज से कर रहे हो। ऑटोमोबाइल्स है, अब ऑटोमोबाइल्स जैसे मतलब कोई ऑटोमोबाइल्स है, बाइक वगैरह का है, जहाँ पर कोई स्पेयर पार्ट्स रखे जाते हैं, चाहे वो शोरूम कार्स का हो चाहे वो बाइक का हो, तो ऑटोमोबाइल्स की कैटेगरी में आता है। उसके बाद नॉर्मल बिलिंग, जैसे हर कोई कस्टमर होता है भी हर एक कस्टमर का आपको बिलिंग इशू करना है तो बिलिंग हो जाएगा। बुक ऑथर आप यहाँ पे कर सकते हो, मान लीजिए आप किसी ऐसे पुस्तक भंडार की आप अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये बुक की डिटेल है, तो बुक की डिटेल आप जो भी कस्टमर को दो तो उसके अंदर उस पब्लिशर का नाम, उस ऑथर का नाम ऑटोमेटिक साथ में आए, क्योंकि अब ये यहाँ पर आप अकाउंट जो भी चीज़ सेलेक्ट करोगे यहाँ से, अब ये सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही हम ये कंपनी क्रिएट करने के बाद मारक सॉफ्ट में इंटर करेंगे तो वहाँ पर उसी से संबंधित ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे।
अब यहाँ पर एक्साइज डीलर है, एफएमसी डिस्ट्रीब्यूटर है, एमआरपी वाइज है, उसके बाद में गारमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है आपके पास। उसके बाद में यहाँ पे आपका जीएसटी प्रो वर्जन आ जाता है, होटल रिजिस्टर्स आते हैं, ज्वेलर्स आ जाता है, मंडी आ जाता है, अर्थ जिसको हम कमीशन एजेंट्स वर्क बोलते हैं, उसके बाद में मोबाइल है, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का है, या फिर प्लाई कारपेंटर जो कि फिट है, मीटर है, स्क्वेयर फिट के अंदर जो अपनी जो इन्वेंट्री है जो सेल करते हैं। तो अब यानी कि ये इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए, अब आपको देखना है भी आपकी जो कंपनी है उसमें अकाउंटिंग वर्क किस पर्पज से होना है। अब मान लीजिए आपकी जो कंपनी है वो मोबाइल की है, तो अब आपने यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे आप इंटरनल कंपनी क्रिएट करने के बाद इंटर जाओगे, जब अपने स्टॉक आइटम वगैरह क्रिएट करोगे, तो वहां से जो मोबाइल से संबंधित जितनी वर्किंग होती है, जैसे कि मोबाइल का नाम आपने लिखा, उसका कंपनी का नाम क्या है, उसका ईएमआई नंबर वगैरह क्या चीज है, बुक्स की सीरीज क्या है, कौन सा मतलब मॉडल का नंबर है, तो ये इससे संबंधित ही आपसे सारी बातें पूछी जाएगी। अगर आप ये सोच लेते हो भाई मैं यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट कर लूँ और अंदर जाके मैं मेरा केमिस्ट्री का वर्क शुरू कर दूँ, तो वो पॉसिबल इसमें नहीं है। अगर आप केमिस्ट का वर्क करोगे तो आपको यहाँ से शुरुआत में ही केमिस्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे हम केमिस्ट्री यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो केमिस्ट्री संबंधित करने के बाद में एमआरपी वाइज बेस नंबर डिटेल, एक्सपायरी डिटेल्स हैं, क्या उसकी पैकिंग है, जो आप मेडिसिन है, तो उससे संबंधित ही अंदर हमें फीचर्स है जो पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए आपकी जो अकाउंटिंग आप कर रहे हो वो एक बेसिक है, यानी कि एज ए मान के हम चल के मान के चले भी वो किराना गुड्स का है, वहाँ पर आप नॉर्मल ही बिलिंग करते हैं, तो यहाँ से आप इसमें जो एफएमजीसी का जो वर्क आ रहा है, ऑप्शन जो आ रहा है एफएमजीसी डिस्ट्रीब्यूटर एमआरपी वाइज, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में डे टाइप इंग्लिश रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देगा, भी विक्रम संवत है तो अलग अलग हिंदू कैलेंडर के अनुसार या इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, तो वैसे इंग्लिश ही चलता है। उसके बाद में वर्किंग स्टाइल, अब वर्किंग स्टाइल में भी दो ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे, नॉर्मल या फिर सेकेंडरी। अब नॉर्मल में क्या होगा भी आपको केवल प्रोडक्ट का नाम, उसकी क्वांटिटी और रेट, आपको तीन ही चीज़ें लिखनी है। अगर आप चाहते हो भी उस क्वांटिटी का बैच नंबर भी साथ हो, एमआरपी हो, कंपनी का नाम भी सीरीज हो, या उसके जो भी कोई डिस्क्रिप्शन है आइटम की वो साथ में प्रिंट हो, तो आपको ये सेकेंडरी ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अमूमन आप सेकेंडरी ही सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद में जो सिलेक्शन है इसमें हम सेल्फ रखेंगे, और उसके बाद में जीएसटी नंबर, यानी कि जो हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उस कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट जीएसटी नंबर की कुछ होती नहीं है। वेट नंबर अब कोई इशू नहीं है, वेट नंबर का क्लोज हो चुका है। डीएल नंबर, अगर आपकी कोई मेडिसिन है तो आप वहाँ पर अपना ड्रग लाइसेंस नंबर वगैरह भी यहाँ पर आप डाल सकते हो, उसकी एक्सपायरी डेट डाल सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, अगर आपको आप कोई मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग वर्क कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस अगर आपके पास है तो। एलएसटी कुछ नहीं है, सर्विस टैक्स की जरूरत नहीं है। फूड लाइसेंस, अगर आपको खाद्य सामग्री से संबंधित अगर अकाउंटिंग वर्क मेंटेन करोगे कंपनी की, तो आपको फूड लाइसेंस नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद में आपका यहाँ पे रहेगा जुडिशियन, यानी कि आपका न्याय क्षेत्र क्या रहेगा, जो कि आपने इनवॉइस पे देखा होगा भी सभी सभी विवाद क्षेत्रों का जो न्याय क्षेत्र है वो जयपुर रहेगा, बीकानेर रहेगा, रायसेन नगर रहेगा, गंगानगर रहेगा, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये क्या होगा, जब आप अपने कस्टमर को इनवॉइस दोगे तो इनवॉइस के बिल्कुल लास्ट हेडिंग में, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट के अंदर बॉटम की साइड में, वहाँ पर ये सब कुछ लिखाएगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर रायसेन नगर दे देता हूँ। अब उसके बाद में टैक्स स्ट्रक्चर, अब टैक्स स्ट्रक्चर में भी आपसे दो ऑप्शन मांगे जाएंगे, भी प्रोडक्ट वाइज या बिल वाइज। अब प्रोडक्ट वाइज का मतलब भी आपने जो टैक्स की कैलकुलेशन करनी है अपने सेल इनवॉइस पे, वो प्रोडक्ट वाइज करोगे या फिर बिल वाइज, तो ये हमेशा प्रोडक्ट वाइज ही होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट वाइज का मतलब अब मान लीजिए आपके पास आपने अपने कस्टमर को तीन स्टॉक आइटम आपने सेल करी है, एक मोबाइल भी सेल किया, एक कीबोर्ड सेल किया, एक माउस सेल किया, लेकिन तीनों का टैक्स रेट अलग रहेगा, कोई जीएसटी 5% में है, कोई 12 में है, कोई 18 में है, तो आप चाहिए भी जितने जो 5% के आइटम है उस पर 5% का टैक्स लगना चाहिए, 12% वाली स्टॉक आइटम पर 12% का लगना चाहिए, और 18% वाली पे 18% के हिसाब से टैक्स है जो लगना चाहिए। तो वो कब लगेगा, वो अगर हम प्रोडक्ट वाइज सेलेक्ट करेंगे तो। अगर आपने बिल वाइज यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया तो जितनी बिल की इनवॉइस बनेगी उस इनवॉइस के ऊपर टैक्स लग जाएगा, अब कितना लगेगा वो बात की बात है, तो इसमें हमेशा प्रोडक्ट वाइज ही आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब आपसे यहाँ पे तीन ऑप्शन यहाँ पर भी पूछे जाएंगे, भी आपने जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन आपने रखनी है वो लास्ट परचेज रखनी है, एवरेज रेट रखना है, या फिर सेल्फ फीडिंग करनी है, यानी कि आप अपने मुताबिक आप आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने अमाउंट का आप रखना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप सेल्फ फीडिंग करेंगे। अगर आप बाय डिफॉल्ट रूल के अनुसार अगर करेंगे तो हम यहाँ से लास्ट परचेज को सेलेक्ट करेंगे, वैसे बाय डिफॉल्ट लास्ट परचेज ही होता है। और उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर, भी हम कौन से फाइनेंशियल ईयर की वर्किंग है जो कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये 2021
से लेके 31/3/2022 ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि ये जो हमारी सिस्टम की डेट है उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट करता है। अगर मान लीजिए आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर की करनी है, 2020-21 की करनी है, तो यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज भी कर सकते हैं, 1/4/2020 और 31/3/2021 को मैनुअल से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे 2021-22 का ही करना है, तो ये 1/4/2021 से लेके और 31/3/2022 तक का ही रहने देंगे। और उसके बाद में डाटा डायरेक्टरी। अब डाटा डायरेक्टरी का मतलब भी अब आपने जहाँ पर भी अपने मारक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जिस भी ड्राइव में, तो वहाँ पर ये डाटा के नाम से एक ऑटोमेटिक जब फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसमें जो भी आपका रिकॉर्ड रहेगा, जो भी आपने कंपनी क्रिएट करी है और उस कंपनी में जो भी आपने वर्किंग करी है, वो सारा का सारा डाटा आपका उस डाटा के फोल्डर में जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इस डाटा का नाम का पाथ आप चेंज करना चाहो तो आप डाटा का नाम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो वैसे बाय डिफॉल्ट ये डाटा जो आया है ये मारक सॉफ्टवेयर ने अपनी तरफ से इसको क्रिएट किया है। और उसके बाद में पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, या आप अपनी कंपनी में पासवर्ड ऑप्शन लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो, आप यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो जैसे सारी हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप कर दी, तो उसके बाद हमसे पूछेगा सेव चेंज, तो इसको हम यस करेंगे। तो यस करने के बाद में कुछ कंपनी क्रिएशन करने के बाद कुछ थोड़ा सा ये टाइम लेने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो लिस्ट ऑफ कंपनी में अभी जो हमने क्रिएट की थी भावना ट्रेडर्स के नाम से, उसका नाम यहाँ पर आ गया। जब हम इस पर इंटरप्रेस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर मार्क गेटवे पर, तो मार्क गेटवे पर जाने के बाद में आप ये बिजनेस टाइप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर बिजनेस टाइप का ये फीडबैक फॉर्म है, आप चाहो तो इसको यहाँ से इग्नोर कर सकते हो उसको, और इसको हम इंटरप्रेस करते हुए ओके कर देंगे। अब जैसे हम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ये इंटरफेस, इसका लेआउट हमें दिखाई देगा मारक सॉफ्टवेयर का। तो ये कुछ सारे हमारे पास यहाँ पर शॉर्टकट भी आपको देखने को मिलेगा, हम ये शॉर्टकट हटा भी सकते हैं, नए भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आगे आने वाली हर वीडियो में सारी बातें ये प्रैक्टिकली सीखेंगे। लेकिन अब हमारा कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद हमारा वर्किंग क्या रहेगा, हमें जो हमारे बुक्स के जो लेजर है वो हमें क्रिएट करने हैं, हमारी बुक्स की जो स्टॉक आइटमें हैं कंपनी की वो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, उनकी पैकिंग वगैरह है, उनकी कंपनी है, उनके कलर है, उनके एचएसएन कोड है, वो सबसे पहले हमें वो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपने टेली सॉफ्टवेयर या बीजी सॉफ्टवेयर पहले आपने इसी तरीके से सीख रखा है, तो आपको ये सॉफ्टवेयर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, सिंपल सा, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर की जो इंटरनल कहानी है वो बिल्कुल सेम होती है। लेकिन आप देख रहे हो भी बीजी सॉफ्टवेयर का जो लेआउट है वो थोड़ा सा इससे अलग होता है, बीजी सॉफ्टवेयर का भी अलग होता है, लेकिन मार्क सॉफ्टवेयर का ये आपको कुछ अलग तरीके से कहीं नजर आएगा। लेकिन आपको कुछ मेजर चेंजिंग इसमें जो मिलेगी वहाँ पे कुछ ऊपर की रिपोर्ट्स वगैरह ये देखने को मिलेगी, लेकिन हमारी जो बेसिक जो बातें हैं जैसे कि स्टॉक आइटम क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना, उसके बाद में वाउचर एंट्री करना, वो हर सॉफ्टवेयर में आपको सारी बातें बेसिक मिलेगी। तो अगर आप जैसे स्टॉक लेजर आपको क्रिएट करने हैं तो आपको मास्टर पे जाना होगा, उसके बाद में लेजर मास्टर और लेजर पे जाओगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे देंगे, जैसे न्यू लेजर है, मॉडिफाई लेजर है, डिलीट लेजर है, जैसे कि आपको बीजी में दिखता है भी न्यू एड या फिर मॉडिफाई। तो ये आपको टेली ERP 9 में भी यही इश्यू होता था, एड अल्टर या फिर डिस्प्ले, तो सेम वही ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए आपको नया लेजर क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर न्यू लेजर पर क्लिक करना होगा, तो आप न्यू लेजर पर क्लिक करोगे, जैसे कि मास्टर पर गए, लेजर मास्टर पर गए, लेजर पर गए और न्यू लेजर पे। अब इसमें क्या होता है, अभी आपने टेली सॉफ्टवेयर और बीजी सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा, सबसे पहले आप जब लेजर क्रिएट करते हो तो वहाँ पर उस लेजर का नाम पहले लिखते हो और उसके बाद में ग्रुप की सिलेक्शन हम बाद में करते हैं। लेकिन मारक सॉफ्टवेयर में इसका जस्ट आपसे अपोजिट हो जाएगा, इसमें आपको ग्रुप का जो सिलेक्शन है वो पहले करना पड़ेगा। भी आप जो लेजर क्रिएट कर रहे हो वो अंडर सैलरी डेप्टर में क्रिएट करोगे, सैलरी क्रेडिटर में करोगे, या फिर आपका कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट इनकम है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, जो भी है वो आपको ग्रुप का जो सिलेक्शन है वो पहले यहाँ पर करना पड़ेगा। तो वो सारे ग्रुप आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे A to Z। ये जो ग्रुप होते हैं वो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको बिल्कुल रेडीमेड तैयार मिलेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए भाई जो लेजर आप क्रिएट कर रहे हो उसका ग्रुप क्या रहेगा अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कोई आपने बैंक का लेजर बनाना है लेकिन बैंक अकाउंट आपने रखना है, तो आपको बैंक अकाउंट पहले करना पड़ेगा और उसके बाद में लेजर नेम, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रिएट लेजर। तो इसका जो अकाउंट का ग्रुप है आपका, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले ही आ गया, लेकिन अब लेजर का नाम आपको देना पड़ेगा। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देना है, ओके। अब उसके बाद में अकाउंट्स ग्रुप आ जाएगा, इसमें ऑप्शन आ जाएगा क्लोज ऑन, किस को ये लेजर है किस को क्लोज रखना है, कौन से डेज को, तो आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हो। बैंक अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह क्या है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने जैसे हमेशा हम जो लेजर क्रिएट करते हैं अलग सॉफ्टवेयर में, सेम वही कहानी है,
इसी तरीके से अगर हम कोई सैंडरी डेप्टर या सैंडरी क्रेडिटर के अंडर हम कोई लेजर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। उसका ग्रुप हमें सिलेक्शन पहले देना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं सैंडरी डेप्टर्स में बना रहा हूँ, तो सैंडरी डेप्टर्स में आप देख रहे हो यहाँ पर ये ग्रुप ऑलरेडी आ गया पहले, तो सैंडरी डेप्टर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में लेज़र का नाम अब हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे हमने दे दिया, हमारा एक कस्टमर है राम एंड कंपनी, और उसके बाद में स्टेशन यस, अकाउंट ग्रुप यस, उसके बाद सैंडरी डेप्टर्स बैलेंस में से बिल बाय बिल, ओपनिंग बैलेंस है या नहीं है, उसके बाद में मेल टू, आप इसमें किसको अगर आप जो हम कोरियर वगैरह करें तो किसको कर सकते हैं उसका एड्रेस हम टाइप कर सकते हैं यहाँ पे सारा। और उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, टोटल ए टू जेड हमें डिटेल यहाँ पर देनी पड़ती है, GST नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका जो डेजिग्नेशन है, सब कुछ ए टू जेड जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो जो जो इसमें लागू नहीं होता आप इसको इग्नोर कर सकते हो, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है तो वो आप सब सबमिट इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें स्टॉक लेज़र स्टॉक हमारी स्टॉक आइटम क्रिएट करना और उसके बाद में हमारे जो अकाउंट्स के हैं लेजर क्रिएट करना, ये स्टेप टू स्टेप हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ताकि हम प्रॉपरली इसको अच्छी तरीके से सीख पाएं मार्क सॉफ्टवेयर को। क्योंकि हम ये सारी बातें अगर एक ही वीडियो में इसका ट्यूटोरियल हम क्रिएट कर देंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बोरिंग भी हो जाएगा, तो ये नए स्टूडेंट के लिए समझना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो आज की वीडियो में हमने केवल कंपनी क्रिएट करना सीखा, नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे प्रॉपर हमारी बुक्स में कितने लेजर हमें क्रिएट करने होते हैं और स्टॉक आइटम हमारी बुक्स में कौन कौन सी है, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।